यस फ्रेंड्स, अब ये सेकंड नंबर, सेकंड रूट नंबर देना है, जिसमें ये वर्ड है तीन, AGI, AG, that means move, that denotes move, and AGO, echo, echo denotes go, okay, and AG, only AG, that means do. Whenever these words are, जब कभी ये वर्ड्स आए आपके किसी वर्ड में जो आपको रीड करना है डिक्शनरी में, तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब इनसे मतलब है मूवमेंट, ओके, डू समथिंग, और व्हेन देयर इज सम मूवमेंट, सम मोशन इन एनीथिंग, ओके, उस वर्ड के अंदर जरूर किसी मोशन से रिलेटेड मीनिंग होगा. दैट मीनिंग विल बी बेस्ड ऑन मूवमेंट, गोइंग समथिंग, गोइंग मूवमेंट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग, वी हैव मूवमेंट, वी आर मूविंग, ओके, और डूइंग समथिंग, दैट मीन्स मूव, मोशन इज देयर. सो जब कभी इस इन तीन लेटर से रिलेटेड कोई वर्ड आता है, ओके, कोई आई मीन यू हैव टू रीड द एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन टू नाउन और वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव, तो उनमें मोशन से रिलेटेड कोई बात होगी, तो आप समझ जाओगे कि उसमें मोशन है. तो ये रूट वर्ड विल गिव यू, जिससे इससे आपको कम से कम 40 to 50 वर्ड्स जरूर मिल जाएंगे. आप स्टडी करिए, लेटर नोट कर, आई मीन वर्ड्स को नोट करिए, आपकी अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, ओके, एंड इन एज लाइफ, आई मीन योर होल लाइफ यू विल फाइंड ये रूट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो दे विल इनक्रीज योर वोकैबुलरी और आपका थिंकिंग बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि आपको जब कभी ये वर्ड्स मिलेंगे उनमें जरूर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें मोशन, मूवमेंट जब कभी आता है आप देखोगे. मैं सब पहले ये वर्ड्स लेने से पहले इनके बारे में बता दूँ कि ये किस ओरिजिन से ले गए हैं, इनकी इनकी एपिटॉम, आई मीन एटमोलॉजी क्या है, व्हाट इज एटमोलॉजी, एटमोलॉजी मीन्स किस ओरिजिन, किस लैंग्वेज से ये लिए गए हैं ये वर्ड्स. देखिए, सबसे पहले मैं पहला वर्ड लेता हूँ, तो रूट नंबर ये है रूट नंबर टू, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने रूट नंबर पहला एक नंबर ए से, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली मैं ले रहा हूँ सभी वर्ड्स को, जिससे कि क्लियर हो जाए, जिससे आपको याद रहे कि हमने ए पर जो बेस्ड इतने रूट्स पढ़े थे, और कोई एक्स्ट्रा रूट आता है तो आप पढ़िएगा, लेकिन मैंने जितने भी मैंने सर्च किया हुआ है, ऑल दिस आर टेकन फ्रॉम माई लाइफ लॉन्ग स्टडी, लाइफ लॉन्ग टीचिंग. माई टीचिंग बैकग्राउंड इज फॉर 40 to 45 ईयर्स, या 45 ईयर्स, एटलीस्ट 45 ईयर्स, ओके. सो ओके, दिस इज माई लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, फ्रॉम देयर आई हैव टेकन ऑल दिस नोट्स, ओके, ऑफ माइंड इन टीचिंग, स्टडिंग, रीडिंग एंड डिलीवरिंग माई लेक्चर्स थ्रू आउट माई लाइफ. सो ऑल दीज वर्ड्स हैव टेकन फ्रॉम देयर, ओके. सो अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये सेकेंड जो रूट है, इसमें देखा सबसे पहले वर्ड, पहला वर्ड लेते हैं, अब इस पर जरूर नोट आते हैं. तो पहला वर्ड है एजी, एजी दैट मीन्स मूव, इसका मतलब है मूव, और ये कहां से लिया गया, टेकन फ्रॉम फ्रेंच, टेकन फ्रॉम फ्रेंच. तो फ्रेंच ओरिजिन है इसका, एटिमोलॉजिकली अगर आप स्टडी करते हैं, ये वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, तो फ्रेंच ओरिजिन है इसका. मोस्टली क्योंकि वो यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस, लैटिन, लैटिन अमेरिका और लैटिन, सॉरी, जो लैटिन रूट इट में भी फ्रेंच रूट, इट में भी ग्रीक रूट, ओके. और नाउ डेज क्योंकि डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी सभी जितनी लैंग्वेज है वर्ल्ड की, उन सब में से जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड, ज़्यादा यूज वाले वर्ड्स होते हैं, डेली यूज में आ जाते हैं, वो वर्ड्स वो ले लेते हैं, आई मीन बोरो कर लेते हैं, अपनी डिक्शनरी का एक पार्ट बना देते हैं. तो आप उसमें लिखे था फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, फ्रॉम दिस ओरिजिन, फ्रॉम जापान ओरिजिन, फ्रॉम चाइना ओरिजिन, तो नंबर ऑफ वर्ड्स आप टेकन, ठीक. तो इस तरह से डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी बढ़ती जाती है, लेकिन मोस्टली जो बेसिक लैंग्वेज स्टडी स्टार्ट हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो दैट वाज बेस्ड ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज. मोस्टली दी थ्री ओरिजिन आर मोस्टली डिस्कस अबाउट, मोस्टली टॉक्ड अबाउट, ठीक है. जितनी इंग्लिश के वर्ड हैं वो इन तीन लेटर्स पर बेस्ड होते, तीन लैंग्वेज पर बेस्ड होते. तो ये कहाँ से लिया गया, ए जी, ए जी आई, ए जी विच इज नोट्स मूवमेंट, टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज. इस पर बेस्ड मैंने कुछ लेटर्स वर्ड्स लिए हुए हैं, इनका मैं यूसेज और मीनिंग बताता हूँ. सबसे पहले एजाइल, एजाइल, एजाइल का मतलब अ पर्सन हु इज वेरी मच ईगर, हैविंग सम मूवमेंट इन हिमसेल्फ, दैट मीन्स क्विक, एक्टिव, द पर्सन इज वेरी क्विक, एडजेक्टिव, इट डिनोट्स एडजेक्टिव वाइज, क्विक, क्विक, वेरी एक्टिव और एक्टिव.
Quick means that denotes motion in a person. Active, very active. That means person is very agitated, having some motion in himself. That is active. That active person, having agile person, we say agile. An agile wit, we can say. Example like here, an agile, anything, an agile thought. An agile thought. An agile bit, okay, an agile act of any, or doing act, an agile act, agile thought, agile bit, whatever, agile, having some motion, some quickness, some sharpness, some speed, okay, that is agile means. Dekha, pehla hi word aapne dekha, ki एजी से बना हुआ है, एजा जिसमें मोशन है, मूवमेंट है, वो सब डिनोट करता है. क्विक, एक्टिव, ये सॉरी सेकंड वर्ड लिया हमने, सॉरी अभी फर्स्ट वर्ड था ये, सेकंड मैंने, आई एम सॉरी मैंने मिटा दिया इसको. सेकंड देखिए, सेकंड है एजिटेट, 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 टीएटी, ओके. एजिटेट इज ए मोस्टली वर्ब होती है, ये नाउन इसमें दिया हुआ है, नाउन भी है एजिटेट, ओके. ही इज एजिटेटेड, बट एडजेक्ट मोस्टली वर्ब आती है, लाइक इट इज वर्ब. एजिटेट, कीप मूविंग, सेज कीप मूविंग. एक्साइट, टू एक्साइट समथिंग, एक्साइट, ओके, हैविंग एक्साइटमेंट. सो पर्सन इज एक्साइट, मे बी नाउन ऑल्सो, राइट हियर नाउन ऑल्सो, ओके. Then agitate. So agitate for rights. Agitate for your rights. That means agitate. Agitate for your rights. So this is verb. As a verb, agitate for your rights. You have to agitate for your rights. Agitate is having motion in itself. Agitation. Then third. This is agitate here. Based on A-G-I-A-G. Having motion, having movement. Agitate. Then agitation. 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 देखिए. Agitation में भी आप देख रहे हैं कि motion होता है, movement होता है, agitation है. That means noun है ये. That means excitement. Excitement. Agitation means excitement. Disturbance. कोई भी disturbance होता है तो excitement है. एजिटेशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस, जैसे सोशल एजिटेशन, सोशल राइट्स एजिटेशन, सोशल राइट्स एजिटेशन, और एजिटेशन फॉर सोशल राइट्स, एजिटेशन, सोशल राइट्स एजिटेशन, और एजिटेशन फॉर सोशल राइट्स, एजिटेशन फॉर सिविल राइट्स, एजिटेशन फॉर लीगल राइट्स, एजिटेशन फॉर एनीथिंग, एजिटेशन फॉर व्हाट, गेटिंग proper 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 what you call treatment in a hospital, so civil rights, or healthy rights, okay, for your fundamental rights, okay, you are agitating, agitation for fundamental rights from the government, any kind of agitation it may be, agitation ho gaya, theek hai. Agitation ye third, three letters samne, three I mean words based on this root pe liye hua hai. तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. एजिटेटेड, ही इज एजिटेटेड, एजिटेशन, ओके, एजिटेशन, देन एजाइल, ओके. सो दिस ऑल दीज थ्री लेटर्स आर देयर. नंबर ऑफ अदर वर्ड्स कैन बी फाउंड, वो मैं आपको छोड़ता हूँ, आप इनके और भी वर्ड्स ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी में से. आप अपना टारगेट बनाइए कि आपको कम से कम 50 वर्ड्स इससे मिल जाएंगे. 50 वर्ड्स आप सर्च करिए, यू विल गेट दैट. अब देखिए नेक्स्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है, आई मीन इस रूट का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो देखिए कैसे, इससे बेस्ट बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलते हैं आपको. पीडागोग जैसे वर्ड है, एगो, एगो दैट मीन्स गो. कहां से लिया गया है, ये भी फ्रेंच से लिया गया, टेकन फ्रॉम फ्रेंच ओरिजिन, taken from French origin. Its origin or its etymology is from French. So ego is used for go.
when there is going something, I mean motion, movement is, हमेशा मूवमेंट होता है उसके अंदर, ये सब वर्ड्स में मूवमेंट है, मोशन, वो आप सोचिए दिमाग में, जब कभी कोई वर्ड आए जिस पर ये वर्ड आते हैं, ये रूट वर्ड आपको मिल जाता है तो आप समझो कि उसमें कहीं ना कहीं मोशन होगा, उस वर्ड के अंदर मीनिंग जो होगा वो मोशन से रिलेटेड है, तो यू कैन फाइंड द मीनिंग योर सेल्फ, वेरी सिंपल हो जाता है मीनिंग को समझना, लेटर्स को समझना, इसलिए रूट्स बहुत मस्ट है, दे आर मस्ट, कांट बी लेफ्ट आउट, इसलिए हम ये करेंगे। चलिए ये हो गया एगो, वो इसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो देखता हूँ। नंबर वन इसमें लेटर है फोर्थ वन, जैसे एगोजिक्स, वर्ड है एगोजिक्स, ये एगोजिक्स जो वर्ड है एगोक, ओके एगोजिक्स, एगोक वर्ड है एगोक, पीटागोक, डेमागोक, नंबर ऑफ गोक वर्ड्स आते हैं, ओके डेमागोक, पीटागोक, then agog, agogics, number of gog words based on this gog root which is taken from Greek or French as well as Latin. So all the three, because pedag means children, pedos used for children from Greek, base Greek language, so that means pedag means for children, child, okay. Then agin means teaching, so teaching for children, okay, so that is, now agogics, इसके बारे में discuss करते हैं, agogics noun है, इसका मतलब क्या है, theory of relation, sorry, thury, theory of relation between emphasis, theory of relation between emphasis, theory of relation between emphasis and length of tone, ये देखिए इसका क्या मतलब है, length of tone, इसे agogics कहते हैं, agogics means ये जो बीच में excitement होता है, tone means when we are speaking out, जो कि शब्द आपने बाहर निकाला उससे पहले जो दिमाग में जो agitation होता है mind में, वो agogics कहलाता है, रिलेशन बिटवीन इम्फेसिस एंड लेंथ, जो आप इम्फेसिस डाल लें वर्ड्स को बोलने में, है ना, जो इम्फेसिस इम्प्रेशंस जमाने के लिए कोई आप वर्ड्स निकालते हैं मुंह से, तो टोन में से जो निकलता है उससे पहले इम्फेसिस जो आप लगाते हैं वो एगोजिक्स कहलाता है, मीन्स यू आर एजिटेटेड, एजिटेशन इन साइड द बॉडी, डेट इज उसको कहते हैं द रिलेशन बिटवीन इम्फेसिस एंड लेंथ ऑफ टोन, लेंथ ऑफ टोन डेट इज एगोजिक्स। A person is speaking with loudness, a lot of emphasis based upon the words, with the words which are coming out from the mouth, they are very much emphasized. Okay. Second day, agogics ho gaya. Ab aata hai agog, agog or agog, agog, this is adjective, ye pehla noun tha, ab ye adjective hai. That means, agog means eager. Eager, okay, astir, excited, okay, we all are, these days what we are doing, we all are agog, to know about, corona, okay, coronavirus are just taken here, the news of coronavirus, we all are agitated, we all are eager, agog to know about coronavirus, what is the treatment of coronavirus, because these days jitne countries hain sabhi mein coronavirus ke patient badhte ja rahe hain, China se start hua, Japan, Korea, even Italy, lot of they are suffering, and after that it has reached to number of other countries, 46 countries it has reached, okay, see, even in USA, UK, all countries, India, we have found 6 patients are there, but they are under treatment, they are, 3 are cured, 3 are left one, they will also be cured, because in India, anything which is just based on Vedic culture, the people who are
very much based upon yoga and our yogic exercises. They are not going to suffer with this kind of virus. This is, I know, 100% true. Okay? Because through the meditation, we can remove this virus from inside the body. Now come to point. Okay, so this is the gok. So a gok is based on a go. That means go. Third point. Pedagog. That means pedagog is another word. G-O-G-G-U-E. Pedagog. Pedagog or pedagog. Okay, this is pedagog here. G-O-G-U-E. Pedagog. What is this? A noun. This is part of speech. A noun here. A teacher. A teacher. Here this word is taken from Pida plus Gok. So Pida is, that means Padosh, children or child. Then Gok is taken from Greek word. Okay. Or this is, we have taken here Gok. Gok actually is from Greek word. So Padosh is from Greek and Gok is from French. So French and Latin also used here. That is pedagogue, a teacher who teaches the children. Basically a teacher who educates the children, who put the excitement in the mind of the people, mind of the children. I mean, this is a teacher. That teacher is there. Pedagogue doesn't mean simple teacher, but this teacher is having agitation, can steer the movement inside the children. That means a teacher. A teacher who teaches the, who excites the children. Okay, with the help of that teaching, the children are excited. That means a pedagogue teacher, a teacher. Okay, that means pedagogue, a teacher. Okay, a children teacher or teacher for who teaches the children. That is pedagogue here. Then, okay, so a teacher who teaches. Pedagogy word is also there. Let me take one fourth word. That means pedagogy. P E D A. Pedagogy. G O G Y. Pedagogy. G O, not G U G Y, but pizza, pedagogy. Pedagogy is noun here. This is a noun here. Again, the study of teaching. The study of teaching. A teacher who teaches something, that is study. Okay? The study of teaching. Or teaching lessons, whatever we study, how to teach the children, how to teach the, okay, the people. So that is how a study of teaching process. So that is known as pedagogy. Oh, okay, these four words are taken. अब आते हैं जो third is का root है, उस root के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत important है. उसमें देखिए four words मैंने उस पर भी ले लिए हैं. उन four words के बारे में discuss करते हैं. The third जो part है इसका वो है age only. That means do. Wherever this word is used, that means do. It is taken from Latin language. Basically from Latin. Taken from Latin. Okay. That is like agenda. What is agenda here? Agenda. This is plural of. This is from French language, pulled off agendum. This is from, agenda is taken from French language. Agendum, so agendum is French. So from French, and agenda is pulled off French. For pulled off agenda. Pulled off agendum. So agendum is basically from French. Okay, so French word is this. That is pulled off. Agenda is pulled off this word. Let me take here. One is agenda, which I have taken here in the ninth one, but sorry, this is the second last, but I have taken here first agenda. Agenda means, I'll talk about that agenda, but this is basically for this part. Let me take now one by one. Seventh one. Now that means first letter, first word in this series, in the second or third part of this root. Second root, which include these three
basic words, basic roots, which are from different languages, French, French and Latin. Okay, so इसके बारे में discuss करते हैं. तो ये सब first पहला letter है. Agent. Who is the agent? Or A-G-E-N-T. I'm sorry. This is agent. Agent. Who is agent? Is a noun. Here, agent is noun. Who is the agent? The person who is agent, who do the business for, who does the business for another person, that person. Okay, a person, ye samjhiye isko, a person who does business for another. Another person, or one who does business for others, a person who does business for others. In person, we can say one who does business for others, or for another. That is agent or representative. That means representative. Okay. So representative is a person, one who does business for another. That is agent. Agent. Who is your agent? Agent. John is agent for another person. Any other person can be. Okay. So that is there. What John is agent for. John is agent of William. So a number of other example can be taken. Agent can be anybody. Agent is working for making easier business for other person or helping another person. That is agent. Agent is helping his senior, helping another person. Any agent can be. So representative, that is the representative. Okay. Person representative or PR. That is agent here. Now, second one, let me take. What is agency? What is the agency here? Agency by agency, noun. Again, agency is noun. Agent was noun. Is a person. Person noun. This is agency. Okay, so agency is a office or function of an agent. That is agency. That is the office. Agency means the office or function of an agent. The office or function of an agent. Agency related to the agent. The agent is sitting there, he is working. That is agency, run by agent. Agency is a function or office of an agent, right? ये हो गया आपका एजेंसी नाउन हो गया. थर्ड पॉइंट देखिए इसमें है एजेंडा. जो कि मैंने पहले बताया एजेंडा, ये भी नाउन है, ये प्लुरल नाउन है. दिस इज फ्रेंच प्लुरल नाउन. प्लुरल ऑफ फ्रेंच वर्ड एजेंडम. That means agendum. This is plural of agendum. Agenda. So agenda is plural of agendum. The French word agendum. This is plural. Agenda is. What is agenda means? The agenda is the program of work to be done. What is that? The program of work to be done. 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 The program of work to be done. Okay, that is known as agenda. The program of work to be done, or we can say, what is the agenda of yours? What is the program of yours doing some function, doing some work? A program which includes a lot of schemes. So scheme which we have done, okay, the tricks which we have applied to do some work,
that is agenda. Then the fourth word of this definite idea, agencia. I've taken here fourth but third was agenda and fourth is agencia. Agencia. That means agencia. What is agencia? Now here agencia is adjective, a part of speech, adjective. That means relating to the, this is relating to, relating to the, okay, affairs of an agent, related to the affairs of an agency, agency, okay, related to the affairs of an agency or related to the affairs of an agent, we can say related to the affairs or bulk of an agent. The affairs, let me take affairs of an agent. This is also agency, agent. So agent means is running agency, and any affairs or the program which is related to the affairs of an agency, you know, agential, agential, related to the agent, related to the agency, the affairs of the agency. That is how the agential means, agential, adjective. So IAL, okay, gives you a adjective. ITY gives you the prefix. So this is suffix. When we add suffix, IAL gives you adjective. Okay, OUS, like, okay, advantageous, that word is OUS, adding OUS also gives the adjective. Okay, less, L-E-S-S, less, adding in the noun gives you, let's say, effectless, that means adjective. Okay, but ness gives you noun. Okay, so ness gives you noun. That is how the past speech are known. Okay, so adjective, it is agential, I-A-L added, this is agent, but agency noun. When I was Y ending any word with Y, suffix is Y, that means gives you noun in this case. Okay, so this is all related to the second root which I have taken here. ठीक है जी, इससे related है, ये हमने देखा कि किस तरह से ये second root बहुत ही ज़्यादा effective है, आप इसको याद करिए, जितने मैंने words ये discuss किए हैं, 10 words, 11 words लगभग discuss किए हैं, इससे related और भी आप words increase कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप ये words search करोगे dictionary में या किसी भी source of information में, तो आप देखोगे कि बहुत सारी आपकी vocabulary increase हो सकती है, 50, 50, 50, 60 words, lot of words आते हैं, ओके, और इनका यूज करना सीखिए डिक्शनरी में से, आप देखिए गुड डिक्शनरी लीजिए जो अच्छी सी है, बेटर है, जिसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, इनके फ्रेंच रूट्स है, कहां से रूट्स हैं, एटिमोलॉजी इज आल्सो गिवन देयर, तो वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं. अब मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज सेकंड रूट व्हिच आई हैव गिवन यू, इससे आपके कम से कम 100 वर्ड्स तो होंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में 50 वर्ड्स, दिस इज 50 वर्ड्स, हालांकि मैं 10 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको, बट you will get number of other words if you search for, okay, these words from the dictionary or any other source. आप देखेंगे कि आपकी vocabulary बहुत increase हो जाती है, strong हो जाती है. 50 words जो कि आप और 100 words जो कि आप एक साल में भी नहीं learn कर पाते, लेकिन इससे आपको instant word power और instant vocabulary आपको मिल जाती है. इस तरह इसलिए मैंने ये आपको exam के competition competitive examination के लिए तैयारी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन वर्ड्स. मैंने ऐसा फाइंड किया है, स्टूडेंट्स भी कहते हैं सर ये रूट्स और प्रीफिक्स सफिक्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द पीपल हु आर लर्निंग इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में डील करते हैं, स्पीक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फॉर देम रूट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. तो आप देखेंगे कि इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आपको सेकेंड लेक्चर सीरीज में मिलते हैं, जबकि हम थर्ड वाला ये थर्ड लेक्चर सीरीज में, उसमें हम थर्ड रूट लेंगे जो कि अभी ए से रिलेटेड है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ले रहे हैं, तो ए पहले उससे स्टार्टिंग था, अब ए जी आई है, नेक्स्ट और भी लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ काफ़ी वर्ड्स आपने देखे. ओके, तो ये सभी वर्ड्स आपको काफ़ी मिल गए, इसलिए रूट वर्ड्स को जानना, प्रीफिक्स सफिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप ये सीरीज में रिलेटेड होते हैं, आप अपने प्लीज